करता आया जीवन का उजियारा। हमने देखा उन्नति का सपना प्यारा प्यारा, आगे कदम बढ़ाए बने सबका सहारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। कोई इंसान अगर कुछ करने की ठान ले तो ये तय है कि वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे वो पर्वतों को काटकर रास्ता बनाना हो या फिर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचना। नमस्कार और स्वागत है आपका अमीर होता भारत में, एक ऐसा टीवी शो जहां पर हम आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत और सूझबूझ से ऐसी मिसालें कायम की हैं कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके नाम की गूंज है। रुख दरियाओं का मोड़ सकते हैं हम, सीना पहाड़ का चीर सकते हैं हम। आज हमारे साथ हैं बीकानेरवाला फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री नवरतन अग्रवाल। भारतीय खानपान की बात हो तो बीकानेरवाला फूड्स का नाम सबसे पहले पन्ने पर आता है। पिछले तकरीबन 70 सालों में ये ब्रांड देश और दुनिया के लगभग हर हिस्से में लोगों की एक पॉपुलर पसंद बन चुका है। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। श्री नवरतन अग्रवाल सर, बीकानेर वाला एक ऐसा नाम है जो दिमाग में आते ही आंखों के सामने खाने पीने की टेस्टी टेस्टी चीजों की एक बहुत ही सुंदर सी इमेज बन जाती है। आखिरकार इस जादू का राज क्या है? इस जादू का राज है कड़ी मेहनत, प्यार इस और इसके लिए कंटिन्यूस रिसर्च डेवलपमेंट्स और सभी का इन्वॉल्वमेंट करना, पूरा स्टाफ, पूरी टीम। और इसको हम कह सकते हैं तो हमारे हम फादर, पुराने दादाजी से हम देखते हुए आ रहे हैं जी। हमने फादर को देखा, मदर को देखा, फादर को अपने हाथों से सब चीज़ बनाते हुए देखते थे और हर चीज़ में रिसर्च करना, आपस में भाइयों का बैठ के डिस्कस करना, इसमें क्या कमी रह गई, इसमें क्या और अपन अच्छा कर सकते हैं, वही डिस्कशंस। फिर हमने बाद में जैसे टीम बढ़ी हमारी जी, तो हमने मेंबर्स बढ़े तो हमने लैब और इस्टेब्लिश करी। लैब बनने के बाद में देखने लगे रॉ मटेरियल कैसे बेस्ट आ सकता है और फिनिश मटेरियल की लाइफ कैसे बेटर हो सकती है और प्रत्येक आइटम के अंदर डेप्थ में घुसने लगे, उनके बारे में पढ़ने लगे, इसके अंदर मसाले क्या हैं, इनकी मसालों में क्या आयुर्वेदिक औषधि के गुण हैं, क्या चीज़ है, कि हमारी पुरानी चीज़ें सब इसमें आजकल आती चली जाए और उसमें टेस्ट जो लोग चाहते हैं बरकरार बना रहे। फादर कहते थे परमात्मा है, उसको मन से मानो, भाव से मानो परमात्मा, और तभी तुम कुछ दे पाओगे, प्यार से दे पाओगे, उसी भाव से दे पाओगे। तो हम जो भी कस्टमर्स आता था तो इस टीम के साथ, टीम भी वही अडॉप्ट करती थी, हम भी वही अडॉप्ट करते थे, खूब प्यार से टेस्ट कराते थे, उसको लेने के लिए फोर्स नहीं करते थे, हम उसको खाली टेस्ट कराने के लिए फोर्स करते थे कि टेस्ट कीजिए इसको, टेस्ट कीजिए। कई बार हम अपने शादी और में या कहीं चीज़ें मिठाई खिलाते भी हैं तो कस्टमर कहता आज अपने स्पेशल बनाइए, हमने कहा स्पेशल नहीं, प्रत्येक दिन ऐसी बनती है, डेली रोजाना ऐसी बनती है, कोई फ्रेशनेस होनी चाहिए। और इसमें बहुत एफर्ट्स हैं सभी लोगों के, मैं कहता हूँ पूरी जनता जो खाने आती थी उनके भाव या उनकी सपोर्ट भी हमें बड़ी सपोर्ट करती थी हर प्रकार से। राजस्थान के एक छोटे से शहर से लेकर आज ये ब्रांड एक वर्ल्ड वाइड स्टेटस हासिल कर चुका है, तो आखिरकार इस सफर की शुरुआत कैसे हुई? ये बीकानेर वाला बीकानेर से स्टार्ट हुआ, राजस्थान में एक बीकानेर बहुत ही सुंदर और बढ़िया जगह है। हाँ जी, वहीं हम जन्म हुआ, हमारा मेरा भी जन्म वहीं पे हुआ है, फादर और का जन्म वहीं हुआ। अब वहाँ बीकानेर में हम लोग पहले अपने हाथों से बनाते थे, साथ में एक दो टीम होती थी वो भी बनाती थी और वहीं दुकान पे आगे बेचते थे, पीछे जो कारखाना होता था आगे बना के बेचते थे। फिर ये बिज़नेस बढ़ाने के लिए हमारे फादर और ताऊ जी, इन्होंने कहा कि हमें इस बिज़नेस को बढ़ाना है और आगे बढ़ना है, सभी जने एक जगह ही रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हम बाहर चलते हैं। तो दिल्ली में लाना आसान लगा, पहले वहाँ से बीकानेर से तैयार माल, रसगुल्ले, भुजिया, नमकीन वो लेके आते थे और वहीं चांदनी चौक में स्टार्ट किया और वहीं चांदनी चौक में रहने का काम कर रखा था, एक कोई धर्मशाला थी, वहाँ धर्मशाला में रहते थे फादर और ताऊ जी। और वहीं पे कुछ बाद में जब उनका काम अब बढ़ने लग गया, डिमांड ज़्यादा आने लग गई, तो पहले तो बीकानेर से लाने में दिल्ली लाना ले आना की दिक्कत थी, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक छोटा सा कारखाना दिल्ली में चांदनी चौक में स्टार्ट किया और डिमांड लोगों को, क्योंकि खूब टेस्ट करवाते थे, लोगों को बहुत टेस्टी लगता था,
पहले लोग कहते थे तेल का चीज नहीं होती, क्योंकि बाकी हलवाई देसी घी का बनाते थे जी। हमारे यहाँ फादर ने स्टार्ट किया शुरू में बिल्कुल तेल का स्टार्ट किया, तो तेल लोगों ने कहा गला पकड़ जाएगा, तो फादर कहते थे कि मैं गारंटी लेता हूँ किसी का गला पकड़ ले तो उन्होंने खुद खा के दिखाते थे सबको कि हम खा रहे हैं तुम भी खाओ, और लोगों को खाने के बाद टेस्टी लगता था और बढ़िया लगता था। तो वो कारखाने में हम चीज़ें बढ़ाते चले गए, डिमांड बढ़ती गई, हमने टीम भी बढ़ाते चले गए जी। तो वहाँ से एक हमारी स्टार्टिंग हुई बीकानेर वाला की। उसके बाद चांदनी चौक के बाद में हमें और लगा कि मेंबर्स फैमिली के और बढ़ गए, तो हमने करोल बाग में, रजौरी गार्डन में एक बड़े बड़े आउटलेट्स लिए। डे बाय डे बिजनेस बढ़ता चला गया, मेंबर बढ़ते चले गए, तो हमने और दुकानें ली, फिर फैक्ट्री ले ली। तो फैक्ट्रीज और लगने के बाद हम लोगों को सप्लाई कर पाए। पहले हमें ध्यान है काजू बर्फी और होती थी, रसगुल्ले होते थे, तो चांदनी चौक की दुकान में कोई कस्टमर्स लेने आता था क्वांटिटी में, तो हम कहते थे नहीं मिलेंगे, इतना ही देंगे, रास्तिंग भी देते थे हमेशा कि भैया त्यौहार है 10-10 रसगुल्ले ही देंगे एक परिवार को, उससे ज़्यादा इतने नहीं थे। काजू की बर्फी बनती थी, लिमिटेड बनती थी, तो एक परिवार को कहते थे एक ही डब्बा देंगे और ज़्यादा देंगे नहीं, भैया सबको मिलनी चाहिए जी। कोई बल्क क्वांटिटी के ऑर्डर को हम एंटरटेन बिल्कुल नहीं करते थे शुरू में, लेकिन बाद में मशीनें लगने लगी, चीज़ें और हम बेटर वे में करने लगे, टीम बढ़ गई, तब हम लोगों को कहते थे क्वांटम चाहिए, तब नाउ वी आर रेडी टू गिव क्वांटम, बेटर वे में दे सकते हैं, बेटर पैकेजिंग में दे सकते हैं, और चीज़ों में बेटर कर सकते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ भी बेटर हो जाती थी, क्योंकि इंटेक हवा नहीं लग सकती थी और कुछ नहीं हो सकती थी, हम लोगों ने इतनी R&D रिसर्च कर ली, तो अब कर सकते हैं बेटर वे में बेटर चीज़ें। सर आपका सबसे पहला एक्सपीरियंस इस बिजनेस में क्या रहा? मैं बीकानेर वाला में बचपन से याद करता हूँ, तो हम शुरू से ही जब चांदनी चौक में हमारे फादर और आए थे इस बिजनेस में जी, तो दुकानों में जैसे जाते थे तो हम भी दुकानों में जरूरत होती थी तो हम भी दुकान पे जाते थे, तो बड़ा मज़ा आता था दुकानों में जाते थे और कस्टमर्स के साथ मिठाइयों में हेल्प करते थे कि पैकिंग करने में, डब्बे बनाते थे, पैकिंग करते थे, और बाकी टाइम में हमें लगता था कि जैसे घर में भी जरूरत पड़ती थी, जैसे लड्डू बनाने होते थे लड्डू बनाते थे, काजू बर्फी बनानी होती काजू कतली बनाते थे। और उसके बाद में जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा तो हम लोगों की एक मन में आत्ममंथन होने लगा, हम किताबें पढ़ने लगे इस पे, सब कुछ करने लगे, तो लगा कि हम लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फूड की, इतने लोग खुश होते हैं तो हम इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, और कैसे बेटर कर सकते हैं। तो हमने इस पे लैब बनाने की कोशिश करी, लैब के बाद में हमने इसमें देखा कि कौन कौन से आइटम और बेटर जो लोगों को टेस्ट दे सकते हैं और कुछ दे सकते हैं, तो उस पर हम प्रोग्रेस करते गए, मेहनत करते गए। फिर हमने आइटमों में और गौर करने लगे, तो बेकरी के आइटम में, नमकीन में, फिर रेस्टोरेंट लाइन में आ गए हम जी, कि हम लोगों को ज़रूरत है तो फूड लाइन भी क्यों नहीं कर ली जाए। तो हमने एक करोल बाग में सबसे पहले एक रेस्टोरेंट किया, उसके बाद में और रेस्टोरेंट, और बीकानेर वाला का दोनों का मिक्स एंड मैच चलता रहा। फिर हमने होटल खोला, बीकानेर में भी होटल खोला, एक हमने हैदराबाद में एक होटल खोला, तो होटल की लाइन में आ गए। एक एक्सपीरियंस, एक गुड एक्सपीरियंस, एक आनंद है, एक ज्ञान है, एक मस्ती है इसके अंदर। जब से आपने इस बिजनेस को संभाला क्या क्या चेंजेस आपने देखे? पहले जब हम काम करते थे तो अपने हाथों से मैक्सिमम काम होता था, डब्बे भी अपने हाथों से बना रहे होते थे, पैकिंग भी हम कर रहे होते थे, कस्टमर्स को भी डायरेक्टली हम डिलीवर कर रहे होते थे। अब उसकी जगह सारा काम जैसे इस टीम ने अडॉप्ट कर लिया है, देने का काम भी, पैकेजिंग का काम भी। पहले छोटे स्केल्स में काम होता था, अब बड़ी पैकिंग में और मैं डल गई है। पहले मैनुअल बनते थे, मशीनों ने यूज़ करने ज़्यादा मैक्सिमम होने लग गई है पहले, और अब मैं तो कहूँ तो लैब और नहीं हुआ करती थी। पहले हम देख के, सूंघ के उन चीज़ों को देखते कि क्वालिटी कैसी है और कहाँ से आया हुआ है, कौन से स्टेट से माल आया हुआ है, वहाँ स्टेट का क्वालिटी कैसी होती थी कि वहाँ पे पेस्टिसाइड और कम यूज़ होते हैं, यहाँ पे पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो देखते थे। लेकिन नाउ ए टाइम टोटली सिनेरियो चेंज हो चुका है, प्रत्येक जो भी रॉ मटेरियल्स आता है वो हम मशीनें देख, पहले लैब में चेक होता है, फिर अंदर जाता है। तलने में भी जैसे पहले कढ़ाइयों में तलते थे, आजकल फ्रायर और बड़े बड़े यूज़ होने लग गए, उसमें भी ऑटोमेटिक टेम्परेचर्स और सब कुछ रहने लग गया, फिर वो ऑयल को भी फिल्ट्रेशन सिस्टम्स और टोटल लगने लग गए। तो पहले और अब में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स होते चले गए। प्लस पहले हमारे पास लिमिटेड वैराइटीज हुआ करती थी, वो भी वैराइटीज़ बढ़ती चली गई। पहले हमसे लोग ले जाते थे, हम अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हो गए तो अब लोगों को दे रहे हैं, एक्सपोर्ट चैनल्स हो गए तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब उसमें एक्सपोर्ट में भी बढ़ रहा है तो और बढ़ाए जा रहे हैं।
बीकानेरवाला की इस कामयाबी का असली राज क्या है? मैं बीकानेरवाला की कामयाबी का राज समझता हूँ कि हमारे कस्टमर्स भी हैं, हमारे फैमिली के सारे मेंबर्स हैं, उनकी विजन है, सोच है, उनके भाव हैं, स्टाफ है, टीम है, उनके अंदर भी वो प्रेम तत्व भाव दिखते हैं। सोने की जगह पीतल चल सकता है लेकिन अपन फूड में लापरवाही नहीं चल सकती किसी लिहाज में। तो वी आर ट्राइंग टू डू अवर बेस्ट एफर्ट्स टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। आपके अकॉर्डिंग बीकानेर वाला ब्रांड के और आपकी जिंदगी के टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे हैं? जो मुझे लगता है कि फैक्ट्री जब हमने करी फर्स्ट टाइम लॉरेंस रोड की एक बिग फैक्ट्री बनाई हमने जी, उसमें हम लोगों ने काफ़ी रेवोल्यूशंस लेके आए, काफ़ी चीज़ें बढ़ाई, डेवलपमेंट्स की, मशीनें डेवलपमेंट करने लगे। तो उसके बाद में हमने उसकी फैक्ट्री के बाद में राई में, नोएडा में और जगह फैक्ट्रियाँ लेते चले गए, फैक्ट्रियाँ भी लेते चले गए, दुकानें लेते गए। वो फैक्ट्री मुझे लगता है हमारी टर्निंग पॉइंट में बहुत बड़ी सपोर्ट रही है। सेकेंडली अगर आप अपनी लाइफ की बात करता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चेंजेस थे, वैसे तो मुझे दिखता है कि मैं शुरू से काम में भी मज़ा लेता था, आलस्य में कभी मुझे मज़ा नहीं आया और हर वक्त कुछ नया करने की कोशिश करता था कि नया काम करूं तो मुझे लगता था कि आई बी ए चाइल्ड अगेन एंड ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। एक बार मैं US गया हुआ था तो US में काफ़ी थका हुआ था, 18 घंटे की ट्रैवलिंग थी कंटिन्यूस में। तो जो जगह थी फेयरफील्ड, एक महर्षि आयुर्वेद वो थी उसके वहाँ पे गया, तो मैं डबल रोटी और नहीं खाता था क्योंकि पेट में डाइजेशंस की प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन वहाँ डबल रोटी थी रात को, डबल रोटी मैंने वहाँ का बटर और जैम लगा के खाए रोटी अपने रात को, और 3 घंटे में मेरी 12 बजे के बाद सो जाऊँगा, 3 बजे मेरी नींद खुल गई अपने आप ही ऑटोमेटिकली। बहुत अपने आप को ऐसा लग रहा था पूरा एनर्जेटिक हूँ, पूरी मस्ती आई हुई थी और उसमें नृत्य मस्ती के साथ में मेरे पता नहीं आत्ममंथन हो रहा था, कोई विचार आ रहे थे, विचारों को ही मंथन हो रहा था अपने आप ही ऑटोमेटिकली। तब क्योंकि 3 बजे का टाइम था, हमें 7-8 बजे उठना था, तो 4-5 घंटे इतना मंथन रहा एक एक टॉपिक पे जो मैंने कभी अपने अंदर भी कोई सोचा नहीं, मैंने कभी पढ़ा नहीं, वो चीज़ों का मंथन होने लगा, उतना गहरा मंथन था। तो वो मुझे लगता है मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस था। उसके बाद में मैंने मेडिटेशन पे डिवोट करने लगा टाइम, मैं लोगों को समझता था कि दैट मेक्स द पीपल नेचुरल, नेचुरल होने के बाद उसको पूरी ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करने की जगह आ जाती है। मैं जहाँ होती है, जहाँ सरल नहीं होता इंसान, वहाँ कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिल सकती उसको। तो मैंने वहाँ फील किया कि एवरीबडी कैन पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को प्राप्त कर सकता, पूरा ब्रह्मांड उसको सपोर्ट कर सकता है जब वो अपनी मैं को ख़त्म कर दे, अपने आप को सरल कर ले, बिल्कुल ढीला छोड़ दे अपने आप को, पूर्ण रूप से छोड़ दे अपने आप को, बिल्कुल नीचे ले आए, बॉटम पर ले आए, कहीं कोई मैं नहीं रह जाए कहीं किसी का, फिर भी कोई ना कोई काम करते हो फिर मैं आ जाती है, फिर टीला छोड़ दो अपने आप को, मैं ख़त्म कर लो। तो मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर एक जो मंथन था उसने मेरे को टर्न किया, तो मुझे फोर्स किया कि अपने को इतना ऊंचा उठा डालो कि तुम्हारे प्रकाश और एनर्जी के कारण वो कहीं फैल सके, तुम फिर एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दो अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी, ताकि उसके थ्रू बाईपास होके उसको लगे कि मैंने ये चीज़ें नहीं सोची तो मैं सोच लूँ, मैं कुएं का मेंढक नहीं, मैं थोड़ा और बाहर का बाहर आ गया, प्लेटफॉर्म बाहर मिल गया तो मेंढक को दिखाई दे कि हाँ सृष्टि और बड़ी है, और हमसे भी कोई बड़ा हो जाए तो उसमें और बड़ी सृष्टि दिखाई देने लग जाए, और बड़ी सृष्टि दिखाई देने लग जाए, और हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स बन सकें। तो फिर कहीं डिस्कशंस होता था तो मेरी बातें सबको पसंद भी आती थी, तो मुझे लगता है कि वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट बहुत अच्छा था। नवरतन जी, क्योंकि ये एक फैमिली रन बिजनेस है, तो आपके अनुसार फैमिली रन बिजनेस के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं? मेरे हिसाब से एक जॉइंट फैमिली बिजनेस के फायदे बहुत हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस सबके सोचने के तरीके, भाव, विचार सबके अलग अलग होते हैं। कोई बिजनेस को देख पाता है, मतलब बिजनेस में क्वालिटी को देख पाता है, कोई वैरायटीज को देख पाता है, कोई हाइजीन को, कोई सफाई को, कोई अकाउंट्स को, कोई मार्केटिंग को, और कोई R&Ds में कोई ध्यान कर पाता है, कोई मतलब अगर कोई भी चीज़ अछूती होगी तो पूर्ण नहीं हो पाएगी कहीं किसी प्रकार से। तो घर में लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, सबके सब सपोर्ट कर रहे होते, तो मुझे लगता है बिकाने वाला उसके कारण भी बिकाने वाला बना है, उसी कारण लोगों के टेस्ट बन पाए हैं, इतने लोगों का टेस्ट करने से, ध्यान करने से। आप इतना व्यस्त रहते हैं जीवन में, तो फिर आप अपने परिवार को और समाज को कैसे वक्त दे पाते हैं? तो परिवार भी मेरे साथ इसी बिजनेस में जुड़ा हुआ है जी,
तो परिवार तो नेचुरल है कि वन टू वन जुड़ा ही रहता है, तो सपोर्ट रहता ही है, परिवार को भी मेरा सपोर्ट रहता है और मेरे को परिवार का सपोर्ट रहता है। तो ऐसा दिखा नहीं कभी कि मेरे को परिवार को कहीं सपोर्ट करने की ज़रूरत है, कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो क्योंकि हम अपने आप को जब इस पोजिशन पहुँचते हैं तो अपने कामों को हैंड ओवर कर देते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को, पूरी टीम चलती है तो टाइम निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर समाज के लिए भी टाइम डिवोट कर पाते हैं, समाज से हमें बहुत कुछ मिलता है, समाज को जब हम देने की नीयत करते हैं तो समाज हमें कई गुना ज़्यादा लौटा के देता है, सही बात है। तो समाज से मिलते हैं तो हमें बहुत चीज़ें लर्न करने को मिलती है, समझने को मिलती है, उनकी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, वो हमें कई चीज़ें बताते हैं, तो समाज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और समाज को भी फिर कई चीज़ें जो हमारी मन में होती है उसको हम रूपांतरित करने में लगते हैं। कई जैसे मेरे मेडिटेशंस है, मैं आज सिखाता हूँ लोगों को बल्कि मेडिटेशन, हाउ टू डू द मेडिटेशंस, हाउ टू लीव ए बेटर लाइफ, क्वालिटी खाना पीना कैसे किया जाए ताकि वो आपको बेटर दे पाए। फिर आध्यात्मिक नॉलेजेस के बारे में भी डिस्कशंस कर लेते हैं ताकि एक समाज को लगता है कि हम समाज के कई पार्ट हैं और हम समाज में वो लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे एक प्रकाश ऐसा फैलाएं या खुशबू ऐसी फैले कि वो भी लोग उन चीज़ों में मंथन हो, एक सत्संग हो। सत्संग से फ़ायदा होता है कई लोगों के, जो मैं समाज में जाता हूँ तो मेरे अपने जो एसेंस हैं वो मैं समाज को देता हूँ, समाज के एसेंस हैं वो मैं लेके आता हूँ। तो एक आत्ममंथन, एक गिव एंड टेक का हमेशा रहता है। कभी भी हम दो जने बात कर रहे हैं तो मैं बहुत कुछ आप मुझसे लर्न करके जाओगे, मैं आपसे बहुत कुछ लर्न करके जाऊँगा, तो एक सत्संग है, डेफिनेटली सत्संग है। ये भी बातचीत हो रही है, ये भी एक बहुत लोग मुझसे सीख के जाएंगे और बहुत सों से मैं सीख के जाऊंगा कहीं किसी प्रकार से। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा। सर, बीकानेर वाला फूड्स के अलावा भी जो आपके दूसरे वेंचर्स हैं, अब थोड़ी सी उनके बारे में बात करते हैं, कुछ उनके बारे में बताइए। बीकानेर वाला फूड से भी पहले हमारा एक ब्रांड था लाल जी, वो आज भी हमारा बीकानेर में है, उसके नाम से हमारा होटल है, फैक्ट्री है, रेस्टोरेंट्स हैं, दुकान है। लाल जी हमारे दादाजी का नाम था, उसी के नाम से हमने लाल जी नाम रखा और वो वहाँ पे हम कर रहे हैं, वहाँ बीकानेर में रिनॉर्ड नाम है। फिर जब हम दिल्ली में आए तो हम बीकानेर के नाम को, क्योंकि बीकानेर से आए थे तो हमने वो जितनी जगह अपना नाम यूज़ किया बीकानेर वाला यूज़ करने लगे। सेकेंडली, दूसरी चीज़ों में भी लर्न करने की हमेशा जिज्ञासा रहती थी, तो मैंने ग्रेनाइट की माइंस का, मेरे को मौका मिला तो मैंने ग्रेनाइट की माइंस करी। फिर ग्रेनाइट के बाद में मैंने एक ऑनलाइन अपेरल्स का काम किया, बच्चों ने साथ में सपोर्ट किया तो ऑनलाइन अपेरल्स का काम स्टार्ट कर दिया श्रोता के नाम से। फिर उसके बाद में मुझे दिखाई दिया कि होटल्स और की लाइनें आने लगी हमारे, जैसे हैदराबाद में एक हमने होटल बनाया बिकाने वाला बुटीक के नाम से, तो हमने वो कॉन्सेप्ट चालू किया। तो उसके बाद में हमने नोएडा, रजौरी गार्डन सभी जगह चलने लग गए, कॉन्सेप्ट भी अच्छा चलने लगा। अब उसके बाद में मेरे मन में हमेशा रहता था कि हम लोगों को, जब भी मैं अपने स्टाफ के साथ, टीम के साथ बैठता था तो उसको हमेशा ये कहता था कि यू डू योर फॉर वर्क फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर द किसी बिजनेस के लिए नहीं करो, किसी और के लिए नहीं, जो भी कार्य कर रहे हो अपने लिए कार्य कर रहे हो, कि ये भी काम करोगे तो अपने लिए भी काम करोगे और बिजनेस को भी सपोर्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर मुझे देखा कि ज़रूरत है हम लोगों को मेडिटेशंस करा पाएँ, तो मैंने नोएडा में भी स्टार्ट किया नेचुरल लोगों को मेडिटेशंस कराना। फिर मैंने एक धार में जगह ली पठानकोट और डलहौजी के बीच में, जो लगता है परमात्मा ने मुझे दिलाई है, इट्स ए ब्यूटीफुल लैंड, वहाँ पे मेडिटेशंस का एक्सपीरियंस एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर हम वास्तु के हिसाब से वहाँ पे लोगों को रखने की कोशिश करेंगे, वास्तु में रहें और एक्सपीरियंस फील करें, और वहाँ पे खेती बाड़ी और जितने वारों के बारे में हम भी सीखेंगे क्योंकि हमारे लिए भी एक नया प्रोडक्ट है, और हम लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे और लोगों को कहेंगे जितना आपको आता है कुछ देना चाहते हो समाज को, सोसाइटी को, यहाँ पे दीजिए ताकि हम इसको एक रोल मॉडल बना पाएं। वो रोल मॉडल सबको अच्छा लगेगा, जगह जगह इस्टेब्लिश होता जाएगा, तो लोग ज़्यादा नेचुरल हो पाएंगे, ज़्यादा एक्टिव हो पाएंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक हो पाएंगे और ज़्यादा धरातल पर आ पाएंगे। बीकानेर वाला आज एक बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड है, अगर कोई इसका बिजनेस पार्टनर बनना चाहे तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम अपने पार्टनर्स बनाने की कोशिश ज़्यादा नहीं करते, लेकिन फिर भी पार्टनर्स बन रहे हैं, जैसे हम फ्रेंचाइजी दे रहे हैं तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो बंद जो काम पहले क्या करता रहा है, क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी होती है, नए बिजनेस में आएगा तो उसको दिक्कतें ना हो। सेकेंडली, लोग इसमें सोचते हैं कि फूड लाइन में मार्जिन्स बहुत बढ़िया हैं, वो जेन्युइन नहीं है कि हमारे यहाँ भीड़ देख के तुम कहीं उस लाइन में चले गए तो इसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जिसमें एक सेवा भाव हो, जिसमें कस्टमर्स को देने की नीयत हो, आपने कहीं आज का माल गलती से कल बेच दिया या ख़राब माल गलती से चला गया तो आपको और आप दोनों ब्रांड को, दोनों को एक ठेस लगा सकता है। अब इसमें बनता है तो उसके बाद में हमारे फिर रूल रेगुलेशंस बहुत लागू होते हैं,
हमारी लैब के बंदे कंटिन्यूस जाते हैं, रॉ मटेरियल को चेक करते रहते हैं, 100% फिनिश मटेरियल को चेक करते रहते हैं, डमी कस्टमर्स जाते रहते हैं, उनसे व्यूज़ लेते रहते हैं सबसे। तो अगर जो सेवा भाव रखना चाहता है वो इसमें जुड़े तो उसके लिए तो सही है, और जो बहुत बड़े प्रॉफिट्स के हिसाब से जुड़ना चाहता है तो मेरे को लगता है वो हमारे साथ गलत पार्टनर होगा। सर, बीकानेरवाला के जो फ्यूचर प्लान्स हैं, अब उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। हम बीकानेरवाला जैसे आज की तारीख में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी बढ़ा रहे हैं कंटिन्यूस में, और वहाँ के लोगों का क्या टेस्ट है, उसमें वहाँ के लोगों की ज़रूरत क्या है, उन चीज़ों को ध्यान करते हुए फूड बना के कैसे हम यहाँ से सप्लाई करें या कहाँ हम ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकें पूरे वर्ल्ड वाइड हम फैलें किसी प्रकार से। साथ के साथ हम यहाँ पे एक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूस में जो चल रही है उसको थोड़ी सी और ग्रोथ दें, स्पीड दें। सेकेंडली क्या है कि हम खाने में चाहते हैं कि जो हम बना रहे हैं वो इतना क्वालिटेटिव फूड हो, चीज़ें अच्छी हो और इतना रिजनेबल हो कि प्रत्येक घर की गृहिणी सोचे कि मैं अपना रियल टाइम कहीं और लगाऊं, मैं और कुछ कर सकूं, मैं बिजनेसेस कर सकूं, और कुछ कर सकूं, तो अपना टाइम रियल वो कहीं और डिवोट कर पाएगी, जो खाना और के लिए जो घर में झंझट रहती थी वो खत्म करके उसको हम वो प्रोवाइड करें और उसको कॉस्टिंग भी कम पड़े और क्वालिटी फूड ज़्यादा बेटर मिल पाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो हम टेस्टिंग लैब्स वैब्स और के कारण उसको और क्वांटम में बाइंग करने के कारण सस्ता बाइंग कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए और हम ध्यान दे रहे हैं उस टाइप में। सर, अंत में आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि आजकल के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा आप ही की तरह बिजनेस की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं? मैं प्रत्येक को कहूँगा कि मेहनत करनी चाहिए कड़ी और अपने आप को सरल बनाएं और इच्छाओं को छोड़ दें। जो मैं अपने जीवन में अडॉप्ट करता हूँ, जो मैं मंथन करता हूँ प्रत्येक चीज़ के बारे में कि मुझे कैसे जीना है, तो सबके अंदर एक मंथन होता है। तो मैं एक ही चीज़ चाहूँगा कि हार्ड वर्किंग के सिवाय कोई उपाय नहीं हो सकता, और काम से प्यार करो और रिजल्ट की इच्छा छोड़ देते हैं और काम अगर बेस्ट करने लग जाते हैं, कड़ी मेहनत का कोई सेकंड ऑप्शंस नहीं है करीब किसी प्रकार से। मेडिटेशंस करेंगे सरल हो जाएंगे, कड़ी मेहनत करेंगे और जोश जुनून होगा प्रत्येक चीज़ को सीखने का करने का, और जो भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है उसमें आगे बढ़ के करो, जिम्मेदारी लो प्रत्येक चीज़ में, कोई भी जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें अपना बेस्ट कर डालोगे तो आपको आगे बढ़ने के मौके मिलते चले जाएंगे। आलस्य की जगह अपने आप को थोड़ा करेज करो कि यस आई कैन टेक द डिसीजन, आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन टेक ऑल द थिंग्स। वेन एवर यू आर इन द टीम यू सपोर्ट। मैं कभी भी देखता हूँ कि लालच की जगह मैं देखता हूँ कि मैं दूँ बल्कि लेने की कोशिश नहीं करता किसी से, तो अच्छा लगता है, सही बात है, और मेरे को वो सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए। नव भारत का श्रृंगार करें हम, टूटे हुए सपनों को साकार करें हम, यह भारत जो कहलाता था सोने की चिड़िया, फिर सोने की चिड़िया बन उड़ान भरे हम। अब होगी आप सबसे मुलाकात अगले सप्ताह एक ऐसी ही कामयाब शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए अमीर होता भारत। हमें इशारा ये सूरज चंदा करते हैं, हमें इशारा अमीर होता ये भारत, ये है हमारा नारा।